नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला और मैं एज कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। अक्टूबर के महीने को हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जानते हैं। सो आइए आज बात करते हैं उसी टॉपिक पर। अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है या किसी प्रकार की कोई गांठ ब्रेस्ट में मिलती है तो उसको कैसे वर्कअप किया जा सकता है, उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है कि वाकई क्या ये ब्रेस्ट कैंसर है या कुछ और है, तो उसी के बारे में बताते हुए सबसे पहले जो हमारा पड़ाव होता है वो होता है बायोप्सी। तो बायोप्सी करके हमें यह पता चल सकता है कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर है भी है या नहीं है। अगर वो ब्रेस्ट कैंसर निकल आता है तो उसके बाद जो अगली चीज हमें बतानी होती है वो होता है कि ये किस स्टेज पर है। जैसा कि हम सबको पता है, स्टेजिंग से ब्रेस्ट कैंसर में हमें ये पता चलता है कि वो कितना फैला हुआ है। सो स्टेजिंग वर्कअप में सबसे सेंसिटिव जो मॉडलिटी मानी जाती है वो है पेट सीटी स्कैन। सो क्या हर पेशेंट में पेट सीटी स्कैन की जरूरत है? जी नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी गांठ का साइज कितना है और ये आपके डॉक्टर की कितनी रिक्वायरमेंट है पेट सीटी स्कैन करवाने की। छोटी गांठों में हम बिना पेट सीटी स्कैन के भी पता कर सकते हैं कि क्या कैंसर फैला हुआ है या नहीं, और उनके लिए जो टेस्ट करवाने होते हैं उसमें आता है मैमोग्राफी, छाती का अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड और छाती का एक एक्सरे। सो इन जांचों से भी हम पता लगा सकते हैं छोटी गांठों में कि ये फैला हुआ है कि नहीं। एक बार पता चलने के बाद कि ये ब्रेस्ट कैंसर है और किस स्टेज पर है, इसको मूलतः तीन तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें से होता है सर्जरी, दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज होती है कीमोथेरेपी, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेडिएशन। सो बात करें अगर हम कीमोथेरेपी के बारे में, सो कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले देनी है कि बाद में देनी है, ये डिपेंड करेगा कि साइज कितना है और पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्या पेशेंट सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को, उस गांठ को निकलवाने में इंटरेस्टेड है या वो पूर्णता से, पूरी तरह से पूरी ब्रेस्ट को निकलवाने में इंटरेस्टेड है, यानी कि क्या वो MRM करवाना चाहते हैं या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करवाना चाहते हैं। सो इस चीज़ को डिफाइन करने के बाद कीमोथेरेपी की टाइमिंग्स और कीमोथेरेपी के साइकिल्स को डिसाइड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आगे उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। सो सर्जरी, जैसा मैंने पहले भी बताया, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू गो, और दो प्रकार की सर्जरीज होती हैं जिसके अंदर एक सिर्फ हम गांठ को निकालते हैं, उसके आसपास के एरिया को निकालते हैं और काख में से कुछ गांठों के सैंपल लिए जाते हैं, और दूसरा होता है MRM जिसके अंदर पूरी तरह से पूरी ब्रेस्ट को निकाला जाता है। सो इन टोटलिटी ये दोनों ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक काफ़ी सारे पेशेंट्स ट्रीट हो जाते हैं। अगर पेशेंट के कुछ फैक्टर्स MRM के बाद ऐसे होते हैं जिसके बाद आपको रेडिएशन के लिए डिसाइड करना होता है, और कुछ फैक्टर और BCS के अंदर हमेशा ही रेडिएशन का अपना एक रोल रहता है और वो उस ट्रीटमेंट का, कंप्लीशन ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। सो आज के लिए इतना ही। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, आपको मेजर मेजर पड़ावों के बारे में आज हमने बताया, सबसे पहला बायोप्सी, अगला स्टेजिंग और फिर उससे अगला उसका ट्रीटमेंट। धन्यवाद।